छह चीज़ें होती है, या फिर यूँ कहे कि छह लक्षण दिखते हैं जब आपको फिशर की समस्या होती है। पहला लक्षण होता है बहुत ज़्यादा दर्द होना। जी हाँ, मल त्याग करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ पेशेंट को होने लगती है। अब यह दर्द कुछ देर तक रह सकता है, या फिर कुछ पेशेंट में जब यह तकलीफ बढ़ जाती है या फिर काफ़ी दिनों से यह तकलीफ रहती है तो दर्द जो है थोड़ी देर से लेके काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। बैठने में भी दिक्कत होती है। दूसरा लक्षण इसमें होता है खून निकलते वक्त लैट्रिन को लगकर ब्लड निकलना, और ये ब्लड जो होता है ये ब्राइट रेड कलर का, डार्क रेड कलर का होता है, और कभी कभी ये खून टॉयलेट सीट को भी लग जाता है। और जब पहली बार पेशेंट इसे देखता है तो डर जाता है, और डर लगना स्वाभाविक भी होता है क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जाता है कि ये हुआ क्या है, ये क्वेश्चन पेशेंट के दिमाग में आता है। तीसरी चीज़ इसमें होती है एनल स्फिंक्टर, जो मांसपेशियाँ होती है उसमें स्पैज़म आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ऐंठन हो जाना। लैट्रिन की जो जगह है वो सिकुड़ी जैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एनल फिशर के वक्त जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसकी वजह से जो स्फिंक्टर मसल्स होती है, स्फिंक्टर की मांसपेशियां होती है, उसमें ये स्पैज़म आने से ये होने लगता है, और इसके कारण पेशेंट का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि लैट्रिन की जो जगह है वो छोटी हो गई है। चौथी चीज़ इसमें होती है खुजली होना, और इस खुजली की वजह से डिस्कम्फर्ट होने लगता है, कहीं जाने में बैठने में तकलीफ होने लगती है, और साथ ही लैट्रिन की जगह पर एक टेंडरनेस, सूजा हुआ सा भाग हाथ को फील होने लगता है। और अगर लैट्रिन की जगह का आप फोटो निकालेंगे तो इस तरह की क्रैक दिखने लगती है, जिसे हम कहते हैं फिशर हो जाना। सिंपल भाषा में कहें तो क्रैक हो जाता है, उस जगह में एक चीरा सा बन जाता है, जगह फट जाती है। ये क्यों होता है और क्या है इसका सटीक इलाज, वो कौन सी दवा है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, यही सब बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और जब ये क्रैक दिखने लगता है, ऐसे में पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे, क्या इसका इलाज करे। पहले तो यही समझ में नहीं आता है कि ये मुझे हुआ क्यों है, कौन सी ये बीमारी है, क्या कहते हैं इसे, क्या ये फिशर है, क्या ये पाइल्स है, क्या ये फिस्चुला है, या और कोई बीमारी है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं, दिमाग में आने लगते हैं, डर सा भी लगता है और शर्म भी लगती है डॉक्टर के पास जाने के लिए शुरुआत में, और फिर इंसान खुद ही तलाशने लगता है कि ये हुआ क्या है। हो सकता है आप नेट पर देखे, यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे। अब जो मैंने लक्षण आपको बताया है, शायद यहाँ पर आपको ये समझ में आया है कि ये फिशर की समस्या है। अगर आपको भी ऐसी तकलीफ है तो क्या इसका सटीक इलाज है, वो कौन सी दवा है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, वो भी हम जानेंगे। ये आपको हुआ क्यों है, इसका कारण क्या है, और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने करने चाहिए, इन सभी बातों को विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके एक एक सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक काम सबसे पहले कीजिए, नीचे बटन है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन मेरे नए और अच्छे वीडियोस इसकी वजह से आप सबसे पहले देख सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। कैसे करें इस फिशर की समस्या को जड़ से ख़त्म, क्या है इसकी दवा, परेशानी तो बहुत है जिसकी वजह से काम करने में भी दिक्कत होती है, और इसीलिए ये सवाल आना स्वाभाविक होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसके कारण को हमने समझना चाहिए, आपने ये जानना चाहिए कि ये फिशर की समस्या क्यों आपको हुई है। तो चलिए फटाफट समझते हैं क्यों ये तकलीफ़ आपको हुई है, क्या इसके कारण हो सकते हैं। इन कारणों के बारे में जब मैं आपको बताऊं, तब आपने ये भी देखना चाहिए कि आपके फिशर के लिए कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला और मुख्य कारण। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों में सबसे पहला और मुख्य कारण जो होता है वो होता है हार्ड स्टूल होना, या फिर लार्ज स्टूल होना, कठिन मल का पास होना। देखिए, जब भी आपको लैट्रिन हार्ड होगी, सख्त होगी, कठिन होगी, तो क्या होगा, ये देखिए, इस तरह से जब आप लैट्रिन को पास करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो एनल एरिया है, जो ये जगह होती है, ये बहुत ही नाजुक होती है, इस पर प्रेशर आने की वजह से ये फट सकती है, ये कट सकती है, और यहाँ से खून निकल सकता है। बहुत लोगों को क्रॉनिक कंस्टिपेशन होता है, काफ़ी दिनों से उन्हें कब्ज़ की समस्या होती है, इसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो इस तरह की तकलीफ होने लगती है, और ज़्यादातर लोगों में फिशर का यही कारण होता है। अब जानते हैं इसका दूसरा मुख्य कारण, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बोवेल मूवमेंट। जब आप लैट्रिन के लिए बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आप उस जगह पर लगाते हैं, और जब प्रेशर लगाते हैं तो इस वजह से भी लैट्रिन की जगह पर दबाव आ जाता है और लैट्रिन की जगह फट सकती है। अब ये प्रेशर हम क्यों लगाते हैं, ज़्यादातर केसेस में कब्ज़ की वजह से ये होता है, या फिर प्रेगनेंसी में भी लैट्रिन की जगह पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। तीसरा कारण इसमें होता है अगर आपको डायरिया है तो भी तकलीफ हो सकती है, या फिर इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज़ है तो ये भी एक चौथा कारण इसमें हो सकता है।
पांचवा कारण इसका होता है एनल एरिया में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर हो जाए तो ये तकलीफें बढ़ सकती है। ये तो हो गए सब कारण, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्या इसका इलाज करना चाहिए और क्या है इसकी सबसे अच्छी दवा। इसे समझने के लिए इसे मैं तीन भागों में डिवाइड करता हूँ जो बहुत ही सिंपल है और आप इसे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पहला इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कब्ज को रोकना या कब्ज को कम करना, क्योंकि इसका कारण ही कब्ज है और इसीलिए आपने कारण को ही ठीक करना चाहिए। तो कब्ज को कैसे आप रोकेंगे? सिंपल से दो तीन उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं कैस्टर ऑयल, जी हाँ, अरंडी का तेल आप ले सकते हैं, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसे कैसे लेना है इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं इसबगोल भूसी, जिसे हम सेलेनियम हस्क कहते हैं, ये भी आप रात को सोते वक्त एक या दो चम्मच ले सकते हैं। इसके उपयोग के बारे में भी मेरा सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट नुस्खा इसके लिए है घी का सेवन करना। जब आप रात को सोने के लिए जाए तो दो चम्मच घी आपने हल्के गुनगुने पानी में डाल के लेना चाहिए। इससे भी आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कब्ज़ की समस्या से आपको राहत मिलेगी, जिससे फिशर की तकलीफ से भी पूरी तरह से राहत आपको मिल सकती है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है उसे भी ज़रा समझते हैं। जो क्रैक आपको हुआ है, जो फिशर की समस्या हुई है, उसे भी हमको ठीक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो आप सिंपल उपाय, आज से ही आपने कोकोनट ऑयल वहाँ पर लगाना चाहिए। कोकोनट ऑयल से वो जो जगह है जल्दी हील होने में मदद होती है। या फिर आप जात्यादि तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट उपाय है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जी हाँ, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इस तकलीफ को, फिशर को जड़ से ख़त्म करती है। मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं जो होम्योपैथिक दवा से अच्छे हुए हैं, ठीक हुए हैं और पूरी तरह से उनको इस समस्या से राहत मिली है। तो आप भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिए ये दवाइयाँ आपने अपने मन से नहीं लेनी है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है। देखिए, रटानिया है, पेट्रोलियम है, नाइट्रिक एसिड है, ग्राफाइटिस है, पियोनिया है, थुजा है, ब्रायनिया है, नाइट्रम्यूर नाम की मेडिसिन है या फिर नक्सोमिका है। ऐसी काफ़ी मेडिसिन है जिनसे इस तकलीफ में पूरी तरह से राहत पाई जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, खुद के मन से दवाई नहीं लेनी है। सो पहले दो जो तरीके हैं वो आप घर पर आजमा सकते हैं। चौथा ज़बरदस्त घरेलू उपाय, आप सिड्स बाथ भी कर सकते हैं, जिसे हम वार्म सिड बाथ कहते हैं। सिंपल है, एक टब में आपको गर्म गुनगुना पानी लेना है और थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसमें आपको बैठना है। आप ये सुबह और शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे पहला फ़ायदा होगा सूदिंग द एनल एरिया, लैट्रिन के आसपास की जगह नर्म होने लगेगी, आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा और दर्द भी कम हो जाएगा। साथ ही जो स्पिंटर मसल है वो भी रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ, आपका दर्द काफ़ी कम होगा। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, आपको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लेने हैं, जिससे आपको कब्ज़ की समस्या ना हो। सो इन सभी उपायों को आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपने डायग्नोसिस करवाना, निदान करवाना बड़ा ज़रूरी है और इसीलिए अच्छे डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए। आशा करता हूँ ये बातें आपके लिए बहुत फ़ायदे की साबित होंगी। आपको इनमें से कौन सा नुस्खा सबसे अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।